हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेकटॉक्स में। आज के वीडियो सेशन में मैं आपको हिप ट्री का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। मैं एक सीरीज यहाँ पे अभी पब्लिश करने वाली हूँ जो कि रिलेटेड होगा हिप सॉर्टिंग, जिसमें से मेरा ये सबसे पहला वीडियो है हिप ट्री क्या होता है और उसका इंट्रोडक्शन। तो जैसे ही हम हिप ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बाइनरी ट्री क्या होता है, क्योंकि हम बाइनरी ट्री ही यूज करने वाले हैं हिप ट्री बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाइनरी ट्री, जिसमें से एक स्पेसिफिक टाइप होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, जो एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज्ड होता है और जिसमें जो आइटम्स होते हैं उसमें वो स्टोर्ड होते हैं एक स्पेशल ऑर्डर में। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है। अगर आपको ये पता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं कि हिप ट्री क्या होता है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, अगर ये आपको पता नहीं है तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरा प्रीवियस वाला वीडियो जो आप देख सकते हो, रिकॉल कर सकते हो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, उसके बाद ये करंट वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, कंप्लीट बाइनरी ट्री में जैसे जैसे हम एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसे एक स्पेशल ऑर्डर होता है। लेवल वाइज एक एक लेवल इंसर्ट हो जाता है, वो कंप्लीट होता है और उसके बाद ही वो नए लेवल पे शिफ्ट होता है। तो आप वो वीडियो देखिए, जानिए और फिर इस वीडियो को फिर से रिज्यूम कीजिए। तो अभी मैं अज्यूम करती हूँ कि आप लोगों को हिप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए आप रेडी हो, जबकि आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री पता है। तो ये जो हिप ट्री है उसके दो मेन प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से आइदर प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्स हिप ट्री क्या होता है। आपने सुना होगा वर्ड मैक्स हिप यूज करके हमें हिप सॉर्टिंग करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैक्स हिप क्या होता है। तो मैक्स हिप ये कंसेप्ट है जिसमें ट्री है इसलिए उसका पैरेंट नोड आ गया, और अगर पैरेंट नोड ग्रेटर है उसके दोनों चिल्ड्रन से। दोनों क्यू मैं शब्द यूज कर रही हूँ, क्योंकि यह है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में मैक्सिमम दो चिल्ड्रन होते हैं, आइदर जीरो हो सकते हैं, वन हो सकते हैं और मैक्सिमम टू। तो मैक्सिमम जो दो चिल्ड्रन है उससे पैरेंट नोड की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। तो अगर पैरेंट नोड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स ओन टू चिल्ड्रन, उस ट्री को हम बोल सकते हैं मैक्स हिप ट्री। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैक्स हिप पता चल गया। अभी हम देखते हैं मैक्स हिप के बाद दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी होता है वो मीन हिप होता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपको आइदर मैक्स हिप यूज करना है और मीन हिप यूज करना है। तो मीन हिप तो अभी मैक्स हिप से पूरा उल्टा है, नाम ही बता देता है मीन हिप क्या होता है। तो मेन हिप में क्या होता है, जो पैरेंट नोड होता है वो स्मॉलर होता है, लेसर होता है उसके दोनों चिल्ड्रन नोड से, उसकी वैल्यूज से। तो ये जो नाम है मैक्स हिप और मेन हिप, वो डिसाइड करता है कि तुम्हारे पैरेंट नोड की वैल्यू अगर चाइल्ड नोड से ग्रेटर है तो मैक्स हिप हो गया, और पैरेंट नोड की वैल्यू अगर चाइल्ड हिप से स्मॉलर है तो हो गया हमारा मेन हिप डेटा स्ट्रक्चर। आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि मैक्स हिप और मीन हिप कैसे दिखते हैं, मतलब कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसे मैक्स हिप बोलते हैं और इसे मीन हिप बोलते हैं। तो मैक्स हिप यहाँ पे आप देख सकते हो, यह हो गया मेरा पेरेंट नोड जिसके ये दोनों चिल्ड्रन है 10 और 9, जो दोनों इससे हमारा पेरेंट नोड ग्रेटर है। तो यहां तक तो हमारा मैक्स हिप का प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अभी सोच लो कि 10 हमारा पेरेंट नोड है, उसके दोनों चाइल्ड है 5 एंड 6। 5 एंड 6 से हमारा पेरेंट नोड फिर से मैक्सिमम है, मैक्स है, ग्रेटर है, तो ये भी हमारा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है।
अभी देख लो कि 9 हमारा पेरेंट नोड है, उसका सिंगल चाइल्ड है जो है 1, इससे हमारा पेरेंट नोड ग्रेटर है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हर एक पेरेंट ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, जहां पे पेरेंट नोड की वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से ग्रेटर है। रूट नोड से हम स्टार्ट करते करते हर एक पेरेंट नोड को हम वेरीफाई करेंगे, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये वाला ट्री हमारा मैक्स हिप ट्री है। उससे उल्टा मिन हिप ट्री अगर हमारा है तो आप देख सकते हो कि अगर 1 हम पेरेंट नोड कंसिडर करते हैं तो उसके ये जो दो चिल्ड्रन है उसकी दोनों की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। मतलब अगर हम पेरेंट से कंपेयर करते हैं तो पेरेंट हमारा लेस है, स्मॉलर है उसके चिल्ड्रन नोड से। वैसे ही 5 देख लो, 5 पेरेंट नोड हम उसके चिल्ड्रन नोड से लेस वैल्यू है, 10 एंड 6 से लेस वैल्यू है। वैसे ही 9 नोड जो है वो उसके चाइल्ड नोड सिंगल नोड जो 12 है उससे लेस है। तो हर कोई पेरेंट नोड जहां जो कोई है इस ट्री में वो उसके चिल्ड्रन से छोटा है, लेस है उसके वैल्यू में, तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये वाला ट्री हमारा मीन हिप ट्री है। तो अब ये कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए मेनली हमें बेसिक ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन जरूरी है, जिसमें है एरे डेटा स्ट्रक्चर एज वेल एज ट्री डेटा स्ट्रक्चर। और मेनली ट्री हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर से, ये भी आपको मालूम होना जरूरी है। तो ये दोनों यूज करके हम हीप ट्री कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हम मेनली यहाँ पे जो ट्री है, ट्री हमारा जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो हम आइदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन दैट इज एरे से भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसमें से एरे जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाला है ये ज्यादा फिजिबल है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो कि हमारा हिप ट्री है। तो हम एरे यूज करके हिप ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और वही ज्यादा फिजिबल वे है। तो ये जो है बाइनरी हिप ट्री जो होता है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, और वो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में आपको बता दिया है। जैसे ही हमारे पास बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करके रेडी है, हम आगे बढ़ सकते हैं उसको हिप ट्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हम एरे यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिशेंट भी होता है, बहुत ज्यादा फिजिबल भी होता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हिप ट्री विथ एरे ये हम ज्यादा करके यूज करने वाले हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि एरे एंड ट्री ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ हिप ट्री के लिए। अगली वाली स्लाइड में मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देने वाली हूं कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं अगर हमें हिप ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो मेनली हमें दो स्टेप फॉलो करने हैं, दो स्टेप यहाँ पे अगर आपको दो ही दिख रहे हैं तो वो दो मतलब कि ये तो पहला स्टेप है कंस्ट्रक्शन बाइनरी ट्री हमें करना है, बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्शन करना है। उसके लिए फिर से इमीडिएट कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, प्लीज वो वाला वीडियो आप देखिए, जानिए, समझिए, और उसके बाद कंप्लीट बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे कि हिप ट्री कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री रेडी है तो हमें हिपीफाई करके एक ऑपरेशन होता है वो हमें अप्लाई करना होता है, जिससे हम हिप ट्री आइदर वो मैक्स हिप ट्री है या मिन हिप ट्री है वो हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये हिपीफाई ये वाली न्यू टर्म अभी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो ये हिपीफाई क्या होता है, हिपीफाई मैं आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को आप ट्यून रहिए और देखते रहिए कि हिपीफाई कैसे करते हैं जिससे हम हिप ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने जो कुछ आपको एक्सप्लेन किया वो उम्मीद रखती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो आप कमेंट लिखना ना भूलिए, मेरे चैनल के वीडियोस अगर आपको पसंद है, उसके कंटेंट आपको पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल टेकटॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए,
ये बेल रिंगिंग रखिए क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन देता रहेगा। यहाँ पर मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और वीडियोस का भी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, इससे आपको हेल्प मिलेगी डेटा स्ट्रक्चर्स के पढ़ाई के लिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।